त्रिपुरा के धनपुर और बक्सर नगर में बीजेपी की जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट में बीजेपी ने जीत। घोसी उपचुनाव में मतगणना के 16वें राउंड में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 35,000 वोटों से आगे। शिवपाल जयंत ने भावी जीत पर खुशी जताई। झारखंड की डुमरी सीट से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत की है दर्ज। 17,100 वोटों से चुनाव जीती बेबी देवी, जबकि केरल में यूडीएफ उम्मीदवार चांडी ओमन जीते। बंगाल में टीएमसी प्रत्याशी निर्मल रॉय ने बीजेपी उम्मीदवार तापसी रॉय को हराया। रॉय ने 4,426 वोटों से जीत दर्ज की। G20 को लेकर प्रेस वार्ता में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में भारत की G20 की अध्यक्षता का फोकस और दृष्टिकोण वैश्विक चर्चा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। G20 अध्यक्षता से हमारे देश और हमारे नागरिकों को आर्थिक लाभ होगा। ब्रुसेल्स में राहुल गांधी ने दिया है बड़ा बयान, कहा शायद मेरा फोन हो रहा है टैप। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दलितों पर भी हो रहा है अत्याचार। कश्मीर मुद्दे पर कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, इस मुद्दे को हम करेंगे हल। बेल्जियम में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। G20 डिनर में खड़गे को नहीं बुलाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया, वो भारत की 7% आबादी के नेता को महत्व तो नहीं देते। दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया, ऋषि सुनक के रिश्तेदारों ने स्वागत की खास तैयारी की। भारत में G20 शिखर सम्मेलन शामिल होने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिल्ली पहुंचे और किशिदा का भव्य स्वागत हुआ। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंची, उनका स्वागत रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री जरदोष ने किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने स्वागत किया। आज शाम 7:45 पर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग दिल्ली पहुंचेंगे, चीनी प्रधानमंत्री का स्वागत वीके सिंह करेंगे। पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ करेंगे 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें। आज पीएम मोदी मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम मोदी यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 10 सितंबर को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ भी वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। शाम करीब 6:50 पर दिल्ली पहुंचेंगे बाइडेन। पीएम मोदी और जो बाइडेन में होगी मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज शाम 7:30 पीएम मोदी बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय मुलाकात। G20 से पहले अमेरिका भारत में बड़ी रक्षा डील संभव। भारत और अमेरिका लड़ाकू विमान इंजन सौदे को आखिरी रूप दिया जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में 20 देशों के विदेशी मेहमानों का सिलसिला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दिल्ली पहुंची। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कार्दंजले ने मेलोनी का स्वागत किया। G20 के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से डिनर का न्योता दिया गया। देश के बड़े बिजनेसमैन, अभिनेताओं, अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए भारतीय एजेंसियों के साथ साथ अमेरिका की, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। भारत में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। मराठा आरक्षण के लिए बीड में महिलाओं को
अनोखा आंदोलन, महिलाओं ने खुद को जमीन में गाड़ कर किया प्रदर्शन। बीड के बासाबाड़ी ग्राम पंचायत के सामने महिलाओं ने खुद को दफनाया, मनोज जानगे के समर्थन में और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्व मंत्री पाटिल पर फेंकी गई हल्दी, आरक्षण के लिए मंत्री पर हल्दी फेंकी गई, धनकर आरक्षण कृति समिति के लोगों ने हल्दी फेंकी।